सेल को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो क्या हुआ, ये सब डेनियल सेल था हमारा, ये कंटेनर था, अच्छे से ध्यान से, ठीक है। ये सपोज हमारा ये दूसरा कंटेनर था, ठीक है। एक कंटेनर हमने क्या लिया था, एक कंटेनर में हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया था, जिंक सल्फेट का ZnSO4 सॉल्यूशन। एक कंटेनर ये था, इसमें हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया था, CuSO4 का विनियन लिया था। ZN7 इसमें हमने जिंक की रॉड डाली थी और इसको आपने कनेक्ट कर दिया था, एमीटर लगा दिया था, और यहाँ पर आपने क्या डाल दिया था, ये हमने कॉपर की रॉड डाला, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो क्लियर था ना, यहाँ क्या कर दिया था हमने, कॉपर की रॉड डाल दी, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से जिंक टू पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में आए, आपके विलयन में आए, और यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ा, वो इलेक्ट्रॉन क्या हुए आपके फ्लो हुए, ये करंट गया, और ये कॉपर रॉड में क्या हुआ, यहाँ विलयन में पहले से ही Cu2 पॉजिटिव आयन मौजूद थे और SO4 2 नेगेटिव आयन, कॉपर सल्फेट टूटेगा तो आयन नहीं बनेगा ना, तो ये Cu2 पॉजिटिव आयन यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो तुरंत रॉड में चले गए और यहाँ चिपक जाएंगे रॉड पे, इलेक्ट्रॉन अपना लेके रॉड पे चिपक जाएंगे। तो अभी तक तो कहानी सही चल रही है, ठीक है ना, अभी तक कहानी सही चल रही है। अब देखो धीरे आगे क्या हुआ, अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे देखो ये जिंक टू पॉजिटिव सॉल्यूशन में आ गए, यहां से फिर से जिंक टू पॉजिटिव सॉल्यूशन में आते रहा, जिंक टू पॉजिटिव सॉल्यूशन में आते रहा। तो हम देखते हैं धीरे धीरे राइट हाफ सेल में यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या प्रॉब्लम आई, समस्या क्या आ गई, अभी तक करेंट अच्छे से फ्लो हो रहा था, आपका एमीटर अपना रीडिंग दिखा रहा था, तो क्या हुआ, धीरे धीरे हम देखते हैं कि सॉल्यूशन में ये जो जिंक रॉड से एनोड का काम कर रहा था, ये कैथोड का काम कर रहा है, तो इस एनोड से जिंक टू पॉजिटिव सॉल्यूशन में आते रहे, धीरे धीरे देखते हैं कि यहाँ पर जिंक टू पॉजिटिव की जो मात्रा थी सॉल्यूशन में वो बढ़ गई। मींस ये सॉल्यूशन आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन। मींस लेफ्ट हाफ सेल में प्रॉब्लम आ गई कि लेफ्ट हाफ सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन है, पॉजिटिव ये जो जिंक टू पॉजिटिव आयन वो बढ़ गई बहुत ज्यादा मात्रा में आ गई, तो क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि इस रॉड में जो अभी तक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे उन इलेक्ट्रॉनों को आप रोकने लग जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो यहाँ से रुकना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स आगे का नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अब फ्लो करना बंद हो जाएगा, स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आ गई लेफ्ट हाफ सेल में, बात समझ में आई, ओके। ऐसी राइट हाफ सेल में क्या हुआ, ये सॉल्यूशन था, इसमें Cu2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव आयन थे, SO4 2 नेगेटिव आयन थे, तो अभी तक तो जितने इलेक्ट्रॉन आते रहे Cu2 पॉजिटिव वहां जाते रहे तो वहां कनेक्ट होते रहे, यहां से Cu2 पॉजिटिव की तादाद यहां मात्रा कम होती गई, तो सॉल्यूशन में क्या बसने लग गया, अब आपका SO4 2 नेगेटिव की संख्या यहां बढ़ गई, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव जितने थे वो जाने लग गए ऊपर को, यहां पर रॉड में चिपकने लग गए, अब Cu2 पॉजिटिव कम हो गए, SO4 2 नेगेटिव की संख्या बढ़ गई, तो इसका मतलब जो राइट हाफ सेल था वहां प्रॉब्लम यह आई कि ये सॉल्यूशन आपका बन गया नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन बन गया, नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन बन गया, तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन बन गया तो अब जो यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उन इलेक्ट्रॉनों को ये आने नहीं देगा, यानी राइट हाफ सेल क्या हो जाएगा, जो राइट हाफ सेल है ये नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन इसमें इसके अंदर सॉल्यूशन हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन हो जाएगा, नाउ इट विल प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो अंदर की ओर आ रहे हैं उनको प्रिवेंट करेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को अपोज करेगा तो इलेक्ट्रॉनों को नहीं आने देगा, तो प्रॉब्लम आ गई, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो रुक जाएगा, तो करेंट रुक जाएगा, पास बन आ गई, तो ये प्रॉब्लम आ गई। अब इस प्रॉब्लम का समाधान, हाउ टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, क्या करें इस प्रॉब्लम के लिए, तो इसके लिए नई चीज आएगी सॉल्ट ब्रिज, जिसको हम बोलेंगे लवण सेतु। क्या है सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज क्या होती है, एक यू शेप्ड एक ट्यूब होती है, यू ट्यूब टाइप की, ये उल्टा जिसको हम उल्टा करके रखेंगे, यू टाइप यू आकार की, मतलब यू शेप्ड एक 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 क्या बोलते ट्यूब होती है, नली होती है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या भरेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं, क्या भर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, कैसा इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट क्या होता है अभी बताऊंगा, इसके अंदर हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, जैसे KCl भर दिया इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मीन विद्युत अपघट, इस यूट्यूब नली के अंदर हम, यूट्यूब सेल की नली के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट भर देंगे, जैसे KCl भर दिया या NH4Cl कुछ भर दिया,
किसमें? इन अगर अगर पाउडर, अगर अगर पाउडर में, अगर अगर पाउडर में KCl इलेक्ट्रोलाइट को हमने मिलाया और सॉल्यूशन के अंदर भर दिया। अगर अगर पाउडर का मतलब पाउडर है, अगर उसको हम KCl में मिला देंगे तो KCl का जो सॉल्यूशन हो जाता है गाढ़ा बन जाता है, गाढ़ा बन जाएगा तो आराम से इस टेस्ट ट्यूब में बहते रहेगा ये KCl, क्योंकि पाउडर में मिलाया तो पाउडर से वो KCl क्या बन गया आपका, गाढ़ा बन गया तो अपने आप वो फ्लो करते रहेगा, ठीक है, KCl अंदर इसमें फ्लो करेगा, ठीक है। अब KCl आपका इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट में आपके Cl पॉजिटिव हो जाएंगे और के Cl नेगेटिव और के पॉजिटिव आयन में टूट जाएगा और वो पाउडर मिला के आराम से फ्लो होने लगेगा। अब इस टेस्ट ट्यूब को हम, ये जो ब्रिज टाइप का बन गया, इसको हम यहां रख देंगे, ब्रिज को ये लगा दिया हमने यहां पर, ब्रिज सॉल्ट ब्रिज जिसके अंदर क्या बना है, Cl नेगेटिव के पॉजिटिव, KCl इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य इसके अंदर बना है। अब बच्चों इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ये होगा जो पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन बन गया था, यहां से KCl में से जो Cl नेगेटिव आयन है सॉल्यूशन में आएंगे, अब आएंगे तो ये जिंक टू पॉजिटिव से मिलके उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिंक टू पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे, आते रहा जिंक टू पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होते, इसका मतलब जो सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन बन गया था वो अब न्यूट्रल हो जाएगा, ये अब पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं रहेगा। जितने जिंक टू पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे उनकी मात्रा ज्यादा हो रही होगी तो Cl नेगेटिव आयन वहां से आएंगे और उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। बात समझ में आ गई बात, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अब जा सकते हैं, अब फ्लो इलेक्ट्रॉनों का बढ़ सकता है, इलेक्ट्रॉन अब यहां से जा सकते हैं क्योंकि अब यहां पॉजिटिव तादाद कम होगी तो इलेक्ट्रॉन अब जा सकते हैं, ठीक है। K पॉजिटिव का इफेक्ट क्या रहा, यहां नेगेटिव चार्ज बढ़ गया था, SO4 2 नेगेटिव बन गया था राइट हाफ सेल में, तो K पॉजिटिव यहां आएंगे तो ये सारे के सारे SO4 2 नेगेटिव जो आयन है नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज के साथ मिक्स होगा, न्यूट्रलाइज कर देगा तो सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब यहां जितने CO2 पॉजिटिव बचे होंगे वो फिर से कैथोड पे चले जाएंगे, तो इसका मतलब फिर से जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉनों को यहां से वो ले लेंगे तो आपका सर्किट पूरा हो जाएगा, फिर से करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो ये था सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब आपसे बात करें कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या था, यहाँ क्या क्या फंक्शन था। अच्छा एक चीज ये इनर्ट बताना था, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेना है हमने, जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य लेंगे उसको इनर्ट लेंगे, अक्री लेंगे, क्यों बच्चा, सपोज ये अक्री नहीं होगा ना, Cl नेगेटिव सब यहां मिलकर Zn2 पॉजिटिव के साथ मिलकर सॉलिड बना देता, सॉलिड नहीं बनना चाहिए इसने यहां पर, यानी Cl नेगेटिव Zn2 पॉजिटिव के साथ मिला तो उसने न्यूट्रलाइज किया, फिर से वो सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएंगे, फिर से Zn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव अलग अलग फिर से हो जाएंगे सॉल्यूशन, यानी सॉलिड नहीं बनना चाहिए। तो इस कारण से ये जो अंदर का जो ये इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है यहाँ रिएक्शन करके सॉलिड नहीं बना देना चाहिए इसने, पता चला रिएक्शन करा अपने आप खुद सॉलिड बन गया, रिएक्शन करा खुद सॉलिड बन गया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसलिए हम यहाँ पे लेते हैं। बात समझ आ गई। अब आपसे पूछा जाए कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, यानी लवण सेतु जो होता है इसका फंक्शन कार्य क्या होता है, देख ही रहे हैं कार्य, पहला तो क्या है, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द हाफ सेल, यानी दोनों हाफ सेल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर दिया, ये इसको भी न्यूट्रल कर दिया, पॉजिटिव बन गया था कम कर दिया, नेगेटिव बन गया था कम कर दिया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को इसने क्या कर दिया, मेंटेन करेगा, पहले से न्यूट्रल थे तो न्यूट्रल मेंटेन करेगा, है ना, यानी पॉजिटिव नहीं बढ़ने दिया, नेगेटिव यहां नहीं बढ़ने दिया। दूसरा इसका काम था, इट कंप्लीट द सर्किट, देखो लवण आपने सॉल्ट ब्रिज लगाते ही सर्किट पूरा हो गया, कैसे, इलेक्ट्रॉन फिर से बहने लग गए तो सर्किट फिर से फ्लो, करंट फिर से फ्लो हो जाएगा, तो सर्किट को मेंटेन करा। तीसरा इसने जो किया, इट मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यानी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को इसने मिनिमाइज कर दिया, ये क्या चीज है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या चीज है। अब सपोज ये सेल होता है तो सेल इतना बड़ा नहीं होता, सेल इस टाइप से होता है, सपोज एक ही सेल में ये सारे दोनों हाफ सेल होते हैं, इधर को राइट हाफ लेफ्ट हाफ में आपका एक सॉल्यूशन यहां भरा रहेगा, राइट हाफ में एक सॉल्यूशन यहां वाला रहेगा, यहाँ इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट होंगे और ये ऐसे कनेक्ट होगा, ठीक है, ये होता है एक्चुअल, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, पहले जब हमने सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया था तो क्या हुआ, यहाँ पर ये सॉल्यूशन पॉजिटिव सॉल्यूशन बन गया था, यहाँ सारा पॉजिटिव चार्ज ये इकट्ठा हो गया था, ये सॉल्यूशन नेगेटिव सॉल्यूशन बन गया तो यहाँ का सारा सॉल्यूशन नेगेटिव सॉल्यूशन यहाँ इकट्ठा हो गया था नहीं बता, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया था, पोटेंशियल डिफरेंस समझे आप, पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंस आ गया ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो इसका मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस यहां जनरेट हो गया, कैथोड पहले से ही पॉजिटिव है हमने माना है, ये पॉजिटिव है और एनोड को हमने नेगेटिव माना है, तो यहां जो पोटेंशियल था यहां से यहां की ओर डायरेक्टेड था, ये पोटेंशियल सपोज ये बैटरी का जो पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट है, हमने क्या माना 1.5 वोल्ट।
अब देखो यहां अंदर सॉल्यूशन के अंदर भी पोटेंशियल जनरेट हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव सॉल्यूशन यहां बन गया, नेगेटिव सॉल्यूशन ये बन गया, तो एक पोटेंशियल जनरेट हो गया। सपोज उस पोटेंशियल, सपोज मैं मान लूं सपोज 1.1 वोल्ट का पोटेंशियल यहां पर अंदर आ गया, तो अब इस पूरे शेल का जो नेट पोटेंशियल है वो कम नहीं हो जाएगा? 1.5 था, 1.1 ये उल्टे है ना दोनों एक दूसरे के, ये इधर को है वो उधर को, तो नेट पोटेंशियल आपका कितना हो जाएगा? नेट पोटेंशियल 1.5 में से 1.0, तो 0.4 का पोटेंशियल रह जाएगा, रहेगा नहीं तक, यानी नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और ये सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया, सॉल्यूशन नेगेटिव हो गया, तो इसको कम करने के लिए जब बीच में हम सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे इसके बीच में, तो यहां से नेगेटिव आयन आएंगे, पॉजिटिव आयन को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे, यहां से पॉजिटिव आएंगे, यहां के सॉल्यूशन का नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो यहां पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल्यूशन, जो पॉजिटिव चार्ज था नेगेटिव चार्ज था वो कम हो जाएगा, तो इसका मतलब जो ये पोटेंशियल था पहले 1.1 का था तो बहुत कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, इसका मतलब ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो था उसको क्या कर दिया इसने? मिनिमाइज कर दिया। किसने? सॉल्ट ब्रिज। पास में आ गई। तो ये था हमारा सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, एंड दिस इज ऑल अबाउट द डेनियल सेल एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और उसकी रिएक्शन कैसे हम देखते हैं, कैसे करते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। चलो नोट डाउन।